पहले तो गणेश जी को हमको लाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में हमारे जब गणेश जी हम लाए तो उस समय गणेश जी मतलब हमारा मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए पूजन करते समय, दक्षिणी आवर्ती गणेश जी बोलते हैं उनको, दक्षिण आवर्ती गणेश। उसके बाद में बाईं ओर सूंड होना चाहिए भगवान के, और उनके उल्टे पैर की तरफ मूसक को बैठना चाहिए, और सीधे हाथ में गणेश जी के भोग का जो लड्डू वगैरह रहता है वो। दूसरी बात, बैठे हुए गणेश जी लाना चाहिए, जो अपने आसन पर बैठे हुए हों या सीधा मुख करा हुआ हो भगवान का, सीधी सूंड भी हो वो भी चलेगा। तो इस बैठे हुए गणेश के हिसाब से जब हम लाते तो हमारे घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। और कहीं कहीं हमने देखा होगा लेटे हुए गणेश जी भी लाते हैं, तो उससे लेटे हुए गणेश से हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हमारे यहाँ किसी प्रकार की कष्टता होती है शरीर में वो भी दूर होती है, और धन की भी उससे लाभ होता है। बट खड़े हुए गणेश जी हमें नहीं बिठाना चाहिए घर के अंदर, पंडालों में बिठा सकते हैं, और जब घर में हम बिठाएं तो विशेष ध्यान रखें घर में गणेश जी बिठाते समय कि ईशान कोण में अगर बिठाएं गणेश जी तो बहुत ही सुंदर और अच्छा रहेगा। और अगर ऐसी जगह ना उपलब्ध हो तो हम बिठा सकते हैं, परंतु आग्नेय कोण में गणेश जी को ना बिठाएं, सीधे ही बिठाएं, और वहाँ पर पे भगवान का मुख दक्षिणावर्ती भी होगा तो चलेगा, हमारा मुख पूजा करते समय उत्तर में होना चाहिए।